बनाने वाली हूँ, सबसे लंबा टाइम हम लोग हमारे किचन में निकालते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे किचन का फंक्शनल होना। तो इसीलिए ना आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 किचन से रिलेटेड ऐसे DIY शेयर करने वाली हूँ ना, जिसके थ्रू आप अपने किचन का मेकओवर तो कर ही पाएंगे, साथ ही ना आप अपने किचन को और भी ज्यादा फंक्शनल बना पाएंगी। और हाँ, आप लोगों को मेरे स्टिचिंग वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए आज की वीडियो भी होने वाली है एक स्टिचिंग वीडियो। और हमेशा आप लोग ये कॉमेंट करते हो कि हमें सिलाई नहीं आती है तो हम ये चीजें कैसे बनाए, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ ना बहुत इजी तरीके शेयर करने की कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोस में, और आप लोगों को वो तरीके समझ में भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों के आते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ 5 ऐसे DIY शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही सुंदर बनकर के रेडी होंगे और बहुत आसानी से आप इनको बना के रेडी कर लोगे। और अगर कोई भी आइडिया मेरा पसंद आता है आज की वीडियो में आपको, या कहीं पर भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी DIY आज आप ट्राई करते हो मेरी वीडियो के थ्रू, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका वो DIY कैसा बन के रेडी हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ना ये पुरानी कुर्ती रखी हुई थी, ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसमें जो ये ब्लैक कलर आप देख रहे हो ना, इसका कलर थोड़ा फेड हो गया है, तो इसकी वजह से मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। बट इसका जो कलर और जो प्रिंट है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसको मैं आज रीयूज करने वाली हूँ। और इससे बनाने वाली हूँ मैं 2 बहुत ही ज्यादा काम की चीजें अपनी किचन में यूज में आने वाली। तो चलिए कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह की अगर कोई भी पुरानी कुर्ती आपके पास होती है ना, तो आप उसको फेंके ना, फेंकने के बजाय आप उसको रीयूज करें, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स आप उससे बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या बनाने वाली हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले एक एप्रन, और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, आप भी इसको बहुत इजीली बना पाओगे। तो मैंने अपनी कुर्ती को यहाँ पे बैक साइड से बिछा के रखा है, क्योंकि फ्रंट में इसमें पैनल वाला डिजाइन था, तो वहां से हम एप्रन नहीं बना सकते, इसीलिए बैक पार्ट से मैंने यहाँ पर 29 इंच की लेंथ का एक निशान लगाया है, और इसको अब मैंने कर लिया है स्ट्रेट। और इसके विड्थ के लिए ना, जितनी भी आपकी कुर्ती की चौड़ाई है आप सारी की सारी ले लीजिएगा, बिल्कुल भी कटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। आर्महोल का निशान लगाने के लिए जो हमने 29 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, वहां से हमें नीचे की तरफ 10 इंच दोनों साइड में लेना है, तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है ना वो बन जाएगा। एप्रन का शेप तो आप सभी को पता ही है कि किस तरह से बनता है, बट कहीं ना कहीं हम सभी ना छोटी छोटी मेजरमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से बना पाओगे। तो अभी 10 इंच का नीचे की तरफ मैंने आर्म होल का निशान लगाया, और अभी जो 29 की स्ट्रेट लाइन थी वहां से मैंने दोनों कोने से 5-5 इंच का एक एक निशान और लगाया है, और जो हमारा बीच में पार्ट बचेगा ना वो हमारी बन जाएगी नेक। तो अभी 10 इंच और 5 इंच वाले निशान को हमें इस तरह से तिरछा ड्रॉ कर देना है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे हमारा जो एप्रन का शेप था वो लगभग निकल के आ गया है, और अभी ना इन्हीं निशानों के ऊपर हमें कर लेना है कटिंग। तो इस तरह से कटिंग करके मैंने इसको ले लिया है, और अभी और इसे ना बिल्कुल रेडीमेड यानी कि मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इस तरह के एक पेस्टिंग पेपर का, इसको फ्यूजन पेपर भी बोला जाता है, या फिर आप इसको ना पतला वाला बकरम अगर मार्केट में बोलोगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा, और बहुत सस्ती मिल जाती है ये, 25 से 30 रुपए मीटर आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगी। और 1 मीटर तो हमारे एप्रन में लगेगी भी नहीं, आधे मीटर में ही आपका काम हो जाएगा, यानी कि 10-15 रुपए की पेस्टिंग पेपर से आपका जो एप्रन है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। इसको लगाने के 2 फायदे हैं, एक तो ना ये वाटरप्रूफ होता है तो इसमें पानी बहुत जल्दी से अंदर नहीं घुसता है, और दूसरा इससे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है हमारे एप्रन के अंदर, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इसको ना ये 2 तरह की आती है, एक तो प्रेस से चिपक जाती है और एक आती है सिंपल बिना प्रेस वाली। तो मैंने यहाँ पर ना प्रेस से चिपकने वाली ली है, तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, जो हमने अपना एप्रन कटिंग किया है ना उसको मैं इसके ऊपर रख के पहले अच्छे से प्रेस कर लूंगी, इसके ऊपर पेस्ट कर लूंगी, और उसके बाद में इसे मैं बिल्कुल उसी के ही शेप में कट कर लूंगी। पर नहीं मिल रही आपको मार्केट में, तो आप ना इस तरह के किसी भी आटा या राइस बैग का इसमें यूज कर सकते हो, इसको लगाने से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी, स्ट्रेंथ भी आएगी आपके एप्रन में, और वाटरप्रूफ भी बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने फ्यूजन पेपर को और कपड़े को आपस में अटैच कर लिया है प्रेस करके, और बहुत अच्छे से गर्म करके ही आपको इस पर प्रेस करनी है,
तभी अच्छे से चिपक पाएगा। और इसे अटैच करते ही आप अपने आप से देख पा रहे होगे ना इसके अंदर कितनी फिनिशिंग नजर आने लगी है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी ऊपर वाली साइड ये यहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है, और ये जो साइड है ना इसकी साइड वाली यहाँ से हमको इसे फोल्ड करना है। तो फ्यूजन पेपर लगाने की वजह से ना बहुत फिनिशिंग से आप यहाँ पर सिलाई लगा पाओगे, और बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है एप्रन बनाना, बहुत इजी होता है। पूरा एप्रन बनाने के लिए आपको सिर्फ एक सीधी सिलाई ही लगानी है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बार बनाओगे तो भी बहुत ईजिली बना पाओगे अगर आप ठीक से वीडियो को देखोगे तो। तो इस तरह से मैंने ना चारों तरफ से इसको सिल लिया है, लेकिन जहाँ पे हमने आर्मोल कट किए थे ना वहाँ पे अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है। तो अभी हम आर्मोल को फिनिश कर लेंगे। तो आर्मोल फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे ना सीधे कपड़े की पट्टी कट की है, और ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। तो 1.5 या हार्डली 2 इंच चौड़ी ही पट्टी आप रखिएगा, इसी में आपकी जो फिनिशिंग है ना बहुत अच्छी निकल के आ जाएगी। तो एक पॉइंट से आपको इसे स्टार्ट करते हुए पूरे जो सेकंड आर्मोल है ना वहां तक लेके आना है, और किस तरह से लेके आना है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज्यादा ज्वाइंट्स आपको इसमें नहीं डालने, सिर्फ एक सिंगल सिलाई में ही ये जो पूरा एप्रन है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ना मैंने पहले एक आर्मोल से इसको स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने से पहले 1/2 इंची कपड़ा आपको एक्स्ट्रा छोड़ देना है यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसको डबल फोल्ड करते हो ना, तो इस तरह से फोल्ड करके आप इसे फोल्ड करोगे तो जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत ही फिनिशिंग से बन के रेडी होगी। तो पहले हमने एक साइड से पट्टी को ज्वाइन किया है, और अब इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए ना पूरे आर्मोल की साइड में लगा लेंगे। अब क्योंकि ये सीधे कपड़े की पट्टी है ना, तो यहाँ पे आपको सिलाई करते समय कोई भी डिफिकल्टी फील नहीं होगी। अदरवाइज और भी कपड़ा अगर आप यहाँ पे यूज करोगे ना तो कपड़े को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक हम इस पट्टी को सिल करके लेके आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड करते हुए आगे की तरफ ले जाना है बिल्कुल सीधा। और ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एप्रन पहनने के लिए जो हम गले के लिए पट्टी बनाते हैं ना वो हम अलग से बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलाई में हम पूरा एप्रन जो हमारा आर्मोल और ये नेक वाला एरिया है ना ये पूरा कवर कर लेंगे। तो इस पट्टी को आपने उतना सिलना है जितनी आपको नेक के लिए लेंथ चाहिए डोरी की। तो तकरीबन इतनी लेंथ मैंने यहाँ पे बनाई है, और आपको अगर समझना है तो आप अपने गले में डाल करके इसको देखिएगा तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो जिस तरह से हम फोल्ड करते हुए आ रहे थे ना पट्टी को डबल फोल्ड, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। कपड़ा कॉटन का लीजिएगा अगर पहली बार बना रहे हो, क्योंकि कॉटन को हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है और इसको वेयर करना भी कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ तक मैंने इसको सिल लिया है, पूरी हम डोरी बना के लेके आए हैं गले में पहनने के लिए, और अभी यहीं पर हमने सेकेंड जो आर्मोल था ना उसको इसमें अटैच कर दिया है। और इस तरह से ना एक सिंगल सिलाई में ये पूरा जो आर्मोल और नेक लाइन है वो बन के रेडी हो गई है। अब इसको फिनिश करने के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखिए, और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आप फिर से इसको डबल फोल्ड कर देंगे ना, तो ये आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स है ना ये एकदम फिनिशिंग के साथ में बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखा कितना आसान है एप्रन बनाना, बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ हैं, कोई इसमें टेढ़ी मेढ़ी सिलाई आपको कहीं पर भी नहीं लगानी है। तो अभी बारी आती है इसमें पॉकेट लगाने की। तो पॉकेट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सीधा स्क्वायर कपड़ा लिया है और इसको चारों तरफ से पहले सिल लिया है, और इसके बाद में ना एक साइड छोड़ के हम इसकी जो डैश 3 साइड है ना इनको सिल देंगे, तो बहुत आसानी से यहाँ पे आप पॉकेट भी अटैच कर पाओगे। और जो हमने 1.5 इंच की पट्टी कट की थी ना उसी में से जो पट्टी बची थी उसकी मैंने यहाँ पे डोरी लगाई है बना करके, सेम वही मेथड है। तो बहुत आसानी से आप इसको 10 मिनट के अंदर बना के रेडी कर लोगे बहुत सफाई के साथ में। और अभी कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमने इसको घर पे बना के रेडी किया है, बिल्कुल मार्केट जैसी फिनिशिंग इसमें आ गई है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ एक ओवन ग्लव। उसके लिए हमारी कुर्ती का जो भी बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने यहाँ पर क्विल्ट करके ले लिया है, और क्विल्ट मैं कैसे करती हूँ उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल में मैं आपको प्रॉपर क्विल्ट करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं क्विल्ट करती हूँ फैब्रिक को। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक लिया है, और इसके अंदर मैंने एक फॉर्म ली है जो कि अक्सर हम जब मार्केट से कुर्ती परचेज करते हैं ना तो उसके अंदर हमें मिल जाती है और हमारे पास वेस्ट पड़ी रहती है, तो उसी का ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है।
तो इसकी जो लेंथ है वो है 25 इंच और जो इसकी विड्थ है वो है 8 इंच। तो 25x8 का यहाँ पे एक क्विल्टेड फैब्रिक मैंने ले लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आप 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बट इसकी लेंथ है ना वो 25 से कम आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि जो हमारा हाथ है ना वो मोटा पतला हो सकता है, लेकिन जो हमारे हाथ की लंबाई है ना वो मैक्सिमम सेम ही रहती है। तो 25 से कम में बिल्कुल भी आप मत लीजिएगा। बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा लेंथी ग्लव बनाना तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेंथ को ले सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, इसको डबल फोल्ड किया हुआ है और इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना हाथ रखा है और इस तरह से आप देख रहे हो ना, इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने हाथ के अकॉर्डिंग थोड़ा लूज शेप बनाया है। तो ये जो शेप आप बनाओगे ना, इसको एकदम फिटिंग में आपको निशान नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो क्विल्टेड पैटर्न है थोड़ा सा मोटा होता है, तो स्टिच करने के बाद में थोड़ा सा श्रिंक होती है इसकी जो विड्थ होती है ना वो। तो इस तरह से लूजिंग में मैंने इस तरह से निशान लगाया है। बट इसको कट करने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे सीम के लिए मार्जिन छोड़ करके इसको कट कर लेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हो ना, आधा इंच मैंने निशान से एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको कट कर लिया है और इस तरह से मेरे यहाँ पे दो पार्ट निकल के आ गए हैं। तो आप चाहें तो दोनों हाथों के लिए इस तरह से ग्लव्स बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक ही हाथ के लिए बना रही हूँ। मेथड दोनों हाथों का बनाने के लिए आपको सेम ही यूज़ करना है। तो अब बहुत सिंपल है इसको बनाना और सिंपल तरीके से बस आपको इसमें सिलाई करते जाना है और एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, लेकिन सेकंड पॉइंट पे जब आप आओगे ना तो 1 इंच के समथिंग आपको यहाँ पर ओपन छोड़ना है, पूरी सिलाई ख़त्म नहीं करनी है। और वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ये रिस्ट वाला पोर्शन है ना, हमें यहाँ पर भी फिनिशिंग देनी होगी। तो इसके लिए आपको 1 इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है सिलाई के, सिलाई करने से पहले, और उसके बाद में इस तरह से रिस्ट वाले पोर्शन को आप फोल्ड करते हुए इसमें एक राउंड सिलाई लगा करके इसको फिनिश कर लीजिए। तो यहाँ पे आप ना जितना हो सके मोटी सिलाई ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्विल्टेड जो पार्ट होता है ना ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना, तो जब आप बारीक सिलाई चलाएंगे तो मशीन चलाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यहाँ पे आपको फील होगी। तो इसीलिए ना जो स्टिच है उसको आप उसका नंबर थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। और इस तरह से पूरे में राउंड सिलाई लगाने के बाद में जो ये हमारा ओपन पार्ट है ना, यहाँ पर हम एक हुक लगाएंगे जिससे हम इसको इजीली हैंग कर पाएँ, और हुक लगाकर हम इसको यहाँ पे पूरा स्टिच कर लेंगे और इसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हो चुटकियों में बन करके रेडी हो जाती हैं ये सब चीज़ें, जो कि हम मार्केट से बहुत महंगी महंगी परचेज़ करते हैं। और मैं कभी भी ऐसी चीज़ें जब मार्केट से परचेज़ करती हूँ ना, तो मुझे कभी भी मेरे लिए फ़िटिंग नहीं मिलती इन सब चीज़ों में, बट आज मैंने खुद से ही इसको इतनी अच्छी फिटिंग में बना करके रेडी किया है और ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी था और साथ में ही काफ़ी इसके अंदर थिकनेस, तो ये जल्दी से ना जब हम चीजों को पकड़ते हैं तो ये जल्दी से हमें गर्म नहीं लगेगा, हमारे हाथों को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया जरूर बताइएगा कमेंट में। और अब मैं बनाने वाली हूँ अपनी किचन के लिए एक हैंगिंग टॉवल, जिसकी मेरी किचन में बहुत ज्यादा जरूरत थी मेरे बॉस बेसिन एरिया के पास में। तो ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो ना, ये मैंने लास्ट मंथ अपना एक सूट सिला था उसका ही बचा हुआ फैब्रिक है, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इसको मैं फेंकने के बजाय इसका कुछ यूजफुल बनाऊंगी, क्योंकि इसका जो वर्क है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो इसे आने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक पेस्टिंग पेपर और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ना वो है 9x3, 3 इंच ये चौड़ाई है इसकी और 9 इंच इसकी लंबाई है। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक नीचे की तरफ निशान लगाया है 1.5 इंच पर और एक निशान मैंने ऊपर लगाया है 3.5 इंच पर। तो इन दोनों निशानों को मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है। तो 1.5 इंच और 3.5 इंच पर ये दो निशान मैंने लगाए हैं और अभी मैं एक निशान इस तरह से लगाने वाली हूँ 1 इंच की चौड़ाई का। तो 1 इंच की चौड़ाई का ये जो निशान लगाऊंगी ना, इसको भी मैं यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लूँगी। और अभी जो 3 इंच वाला मैंने यहाँ पे निशान लगाया था ना, उसको 1.5 इंच वाले निशान से मैं यहाँ पे एक तिरछा करके मिला दूंगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ना एक बेल वाला जो शेप है ना वो निकालना है अपने हैंगिंग डाल के लिए। तो कोई भी शेप आप यहाँ पे बना सकते हो, बट अगर आपको यही वाला शेप बनाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके साथ मेजरमेंट जो है ना वो शेयर कर दिए हैं। तो पहला निशान 1.5 इंच का, दूसरा 3.5 इंच का, और ऊपर जो निशान लंबा गया है ना वो मैंने 1 इंच की चौड़ाई का लिया है। तो इस तरह से इनको शेप तो वे हम इसी तरह से सेम कट कर लेंगे। और अब इस पेपर पेस्टिंग को हमें पेस्ट कर लेना है प्रेस की हेल्प से अपने फैब्रिक पर। तो जो यहाँ पर मेरा प्रिंटेड फैब्रिक था उस पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। और इस तरह से ना ये जब पेस्ट हो जाएगा तो आधा इंच का सीम अलाउंस छोड़ करके आपने इसे कट कर लेना है और उसके बाद में जो भी बचा हुआ कपड़ा है ना इसी फैब्रिक का, उस पर इसको पलट के रख देना है और जो भी हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था ना वहाँ पर हमें सिलाई लगा करके इसको फिनिश कर लेना है।
तो अभी हमें आधा इंच का सीम अलाउंस छोड़ करके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लेना है। और इसके बाद में जितने भी यहाँ पे कॉर्नर्स हैं ना, यहाँ पे हमें कट लगा लेना है। तो कट लगाने से जो हमारा फैब्रिक है ना वो आसानी से पलट जाता है और जो कॉर्नर्स है वो फिनिशिंग के साथ में बाहर निकल आते हैं। और जो अभी इसका नीचे वाला पोर्सन है ना, यहाँ पर भी मैंने एक रफ स्टिच लगा कर इसको भी अच्छे से फिनिश कर लिया है। तो इस तरह से जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो बन करके कंप्लीट हो जाता है। और अब हमें बनाना है इसका नीचे वाला पोर्शन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये प्लेन फैब्रिक और इसको मैंने तीन साइड से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और अब हमें निकालना है इसका सेंटर पार्ट, और सेंटर पार्ट निकाल करके हमें यहाँ पर प्लीट्स डालनी है। और ये प्लीट्स की चौड़ाई हमें उतनी ही रखनी है जितना कि हमारा ऊपर वाला पार्ट बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच टोटल लिया था ना इसकी चौड़ाई, तो 6 इंच में ही हमें ये सारी प्लीट्स डाल करके रेडी कर लेनी है। तो इस तरह से सबसे पहले ना आप प्लेट डाल करके अच्छे से प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है कि एक तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है आप जो भी बनाते हो उसमें, और दूसरा इसको संभालना, इसको हैंडल करना इजी हो जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट तो हमने पहले से ही रफ स्टिच करके फिनिश कर ही लिया था, और नीचे वाले पार्ट में भी हमने यहाँ पर इस तरह से प्रेस कर ली है। तो अभी आप देख सकते हो कितनी आसानी से यहाँ पर ये एक दूसरे में एडजस्ट हो जाता है। और अभी हमें बिल्कुल सिंपल एक सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेना है। और अब इस जगह पे ना आप ओवरऑल पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन था ना इसमें घुमा करके अच्छे से सिलाई लगा लीजिए। और मैंने तो यहाँ पे डबल सिलाई लगाई है, आप डबल लगा लीजिए या फिर आप यहाँ पे सिंगल सिलाई भी लगा करके इसको रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सुंदर सा किचन टॉवल हमारा बन के रेडी हो गया है। और इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ना कुछ बटन्स इसमें अटैच कर दिए हैं, और साथ में मैंने यहाँ पे लगा दिया है एक टीच बटन जिसकी हेल्प से आप इसको इजीली टॉवल हैंगर में भी हैंग कर सकते हो, या फिर आप ना एक छोटा सा इस तरह से कीरिंग इसमें डाल दीजिए और किसी भी जगह पर किसी भी कोने में आप इसको ईजिली हैंग कर सकते हो। तो देखा बिल्कुल फ्री में घर में ही बचे हुए कुछ कपड़ों से हमने इतना सुंदर सा एक DIY बना के किचन के लिए रेडी कर लिया है। तो कैसा लगा आपको ये DIY ज़रूर कॉमेंट में मुझे बताइएगा। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ अपने किचन के लिए एक काउंटर टॉप प्लेसमेंट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 फैब्रिक और 20x20 सेंटीमीटर के ये 4 फैब्रिक हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेन फैब्रिक लिए हैं और 2 ही मैंने लिए हैं प्रिंटेड फैब्रिक। तो एक तरह से ना ये एक रिक्वेस्ट भी आप मान सकते हो, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं पैचवर्क अपने चैनल पर आप लोगों को सिखाऊँ। तो ये ना एक बेसिक पैचवर्क है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इसी वाले DIY में पैचवर्क जो है वो बना के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 फैब्रिक लिए थे, तो उसमें मैंने क्या किया है एक प्लेन और एक प्रिंटेड फैब्रिक को आपस में मैंने इस तरह से ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करते समय ना आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी इसके जो पीछे का मार्जिन होता है ना उसे साथ के साथ आपको प्रेस करते हुए जाना है और इसमें फिनिशिंग देती हुई जानी है। जब आप ऐसा करते हो ना तो आप कोई भी पैचवर्क करते हो तो उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग निकल के आती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 पीसेस को ज्वाइन किया था, एक प्रिंटेड और एक प्लेन। तो यहाँ पे मुझे 2 के 2 पीस मिल गए थे और अब मैं इन दोनों पीसों को आपस में अटैच करूंगी तो हमारा ये सिंगल पीस निकल के यहाँ पे आ जाएगा। और अगेंस्ट जितने भी जॉइंट्स यहाँ पे होते हैं ना सारा मार्जिन उसको आपने फिनिश करते हुए जाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर ली है अपने चारों ही पीस, और अभी जो प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक है ना वो एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी जो हमारे सेंटर वाले जॉइंट्स है ना उससे 2-2 इंच करीब मैं यहाँ पे चारों तरफ एक निशान लगाऊंगी और इसको मैं यहाँ पर ना बिल्कुल सीधा कर लूँगी। तो ये जो निशान है ये आपकी चॉइस के भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 इंच का लिया है, आप 1.5 इंच का या 1 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। बट अगर इससे ज़्यादा चौड़ा निशान लगाएंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा लुक देखने में नहीं आएगा। और इनको अभी मैंने सीधा कर लिया है और अभी इन्हीं निशानों पे से हम यहाँ पे कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग करके मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है और इस तरह से आप देख सकते हो 6 पीसेज मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे इनको थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है इसको मैंने इस तरह से घुमा करके रख दिया है, और जितने कॉर्नर वाले पार्ट है ना इनको मैंने एक दूसरे की जगह पर चेंज कर दिया है। तो कुछ इस तरह का जो पैटर्न है ना वो बन के आ गया है। तो देखा कितना ईजी है पैचवर्क करना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बट आप अगर ध्यान से अटेंशन दे के कोई भी काम करते हो या फिर लगन के साथ करते हो ना तो वो काम अच्छा ही निकल के आता है। और अब हमें करना है इसको जॉइंट। तो जैसे पहले हमने 2 पीसेस को जॉइंट किया था ना ऐसे ही इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए ना स्टिच करते जाना है। कोई भी काम एकदम से नहीं होता है, हर चीज़ के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से ना जब भी आप पैचवर्क करते हो तो थोड़े पेशेंस के साथ आपको करना है, एक एक करके ही आपको ये सारे पीसेस जॉइन करने होते हैं। और जब आप ऐसा करते हो तो ही एकदम फिनिशिंग से निकल के आता है और हमेशा की तरह
है, हर जॉइंट पे आपको आयरन करते हुए जाना है साथ के साथ। तो ऐसा जब आप करोगे ना, तो आपको बिना किसी एफर्ट के ही आप देखोगे कि बहुत ज्यादा फिनिशिंग से आपका जो पैच वर्क है वो निकल के आ गया है। और जॉइंट करते समय एक शीश को हमेशा ध्यान रखिए कि जॉइंट के ऊपर ही जॉइंट आना चाहिए, अदरवाइज ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका जो डिजाइन है ना वो प्रॉपर तरीके से आपको नजर नहीं आएगा। और इसके बाद में आप जब ये बन जाता है ना, तो चारों कोनों को एकदम फिनिशिंग से कटिंग कर लीजिए, क्योंकि सिलाई करते समय थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। अब यहाँ पे मुझे ना स्क्वायर पीस मिल गया था, बट मुझे एक रेक्टेंगल पीस चाहिए था एक प्लेसमेंट बनाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ना 2-2 इंच की दोनों साइड में प्लेन फैब्रिक की पट्टियाँ यहाँ पर मैंने ऐड कर ली हैं। तो अब हमें करना है इसको क्विल्ट। तो क्विल्ट करना आज मैं आपको अच्छी तरह से अपने चैनल पर बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है मेरे चैनल पर। तो क्विल्ट करने के लिए आप देख सकते हो मैंने कितना बड़ा एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है एक स्पंज बीच में लगाने के लिए। और ये दोनों ही चीज़ें ना हमेशा आपको अपने मेन फैब्रिक से बड़ी रखनी है, और इसका रीज़न ये होता है कि जब आप इसको मेन फैब्रिक से बड़ा रखते हो ना, तो फैब्रिक आपका श्रिंक होता नहीं है, और अगर हो भी जाता है ना तो वो वहीं पर एडजस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कपड़ा श्रिंक नहीं होता है। तो इस तरह से ना आप अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रख के इनको पहले पिनअप कर लीजिए, और उसके बाद में इसको हाथों से सेट करते हुए चारों तरफ इसके आप ईजिली सिलाई लगा लीजिए। और बाद में आप जो भी जब आपका क्विल्ट हो जाता है ये पीस, तो उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना उसे आप कट कर दीजिए। तो इस तरह से क्विल्ट करके मैंने पीस ले लिया है, और लास्ट में मैंने इसके चारों तरफ से ना एक और भी कपड़े की पाइपिंग मैंने यहाँ पे ली थी, और चारों तरफ से मैंने इसको फिनिश कर दिया है। और यहाँ पे ना एक हुक भी आप अगर चाहें तो अटैच कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप इसको हैंग कर सकते हो, या फिर ड्राई करने के लिए आपको कहीं रखना है ना, तो आप इसको इजीली हैंग कर सकते हो। तो इस तरह से एक ये जो मैट है ना वो हमारी बन गई है, और बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको पैचवर्क भी बता दिया और क्विल्टिंग भी बता दी। दोनों ही आई थिंक आपके जो दोनों ही डाउट थे ना वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो अब देख लेते हैं हमारा लास्ट DIY, जो कि है तो बहुत छोटा सा और बहुत जल्दी भी बन जाता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक फैब्रिक लिड, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी बनकर के तैयार होती है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक बर्तन, जिसके भी साइज़ का आपको ये बनाना है, और इससे आपको मेजरमेंट ले लेना है, और इस मेजरमेंट से करीब 2 इंच ऊपर या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा रख करके आपने राउंड में फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास एक फैब्रिक आ जाएगा। और अभी क्या करना है, इसकी जितनी भी साइड्स है ना इनको आप फोल्ड कर लीजिए। तो इसको फोल्ड करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दूर से आप इसको पकड़िएगा और इसको पतला पतला फोल्ड करते जाइएगा। और अगर फोल्ड नहीं कर पा रहे हो ना तो कोई बात नहीं, आप इसको इंटरलॉक करवा लीजिए, या फिर आप इस पर अब पीको करवा लीजिए, तो भी ये ना बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। और अभी मैंने यहाँ पे ली है पतली वाली इलास्टिक, जो कि बहुत आसानी से 5 रुपये मीटर या 2-3 रुपये मीटर ही मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर पतली वाली इलास्टिक ली है, और जो हमने अपने बर्तन से एक मेजरमेंट लिया था ना उससे थोड़ा सा ऊपर रख करके हमें इस इलास्टिक को खींचते हुए जाना है, और इसको इस पर स्टिच करते हुए जाना है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक लगाते समय आपको इसे अच्छे से खींचना है, इससे क्या होगा कि इसकी जो ग्रिप है ना वो आपके बर्तन पर बहुत अच्छी बन मतलब रहेगी। तो इस तरह से ना 5 मिनट में ये जो DIY है बनकर के रेडी हो जाता है, और ये मुझे आज की वीडियो में ना सबसे अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो मैं एक और ये बनाने वाली हूँ थोड़ा सा बड़े साइज़ का, और वो मैं बनाऊँगी दूध ढकने के लिए, यानी कि अपनी भगोनी के साइज़ का। तो ये ना DIY आप ज़रूर बना के अपने किचन में रखिए, इससे ना आपकी किचन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, लुक भी अच्छा आएगा और बहुत ज़्यादा फंक्शनल भी रहेगी। तो इस तरह से ना मैंने यहाँ पे 2 ये बनाए हैं, और ये बहुत ज्यादा ब्रीथेबल होते हैं। किसी भी चीज को ढकने के लिए अगर आप इनका यूज करते हो ना तो चीजें ढकी हुई रहती हैं और बहुत सुंदर लगते हैं ये देखने में। तो इस तरह से मैंने एक छोटा और एक बड़े साइज का बनाया है, और ये कितने सुंदर बनकर के रेडी हुए हैं। तो ये आप जरूर बनाइएगा, और दूध ढकने के लिए भी आप इस तरह के कपड़े का ना यूज कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, जो भी आइटम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इनमें से कौन सी चीज आप ट्राई करने वाले हो और उसका आउटपुट कैसा निकल के आ रहा है, प्लीज कॉमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कॉमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये जो सेट है ना वो पूरा बना के रेडी किया है, और आप देख सकते हो जो हमारी मैट है ना वो भी बहुत अच्छी बन के सुंदर लग रही है बनने के बाद में।
और इस तरह से ये जो बोल है ना ये तो बहुत सुंदर बन के रेडी हो ही गए हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरे आज के DIY और आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर सच में आपको कोई भी आइडिया मेरा आज पसंद आया है ना तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सा DIY आप इनमें से ट्राई करने वाले हो वो भी जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल तरीका मैं अपनी वीडियोज में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से मैं इजिली इन चीजों को बना लेती हूँ ना, आप भी उसी तरह से बहुत आसानी से ये सारी चीजें बना सकें और अपने किचन को और अपने घर को अच्छे से सजा सकें, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपको कोई भी आइडिया मेरा पसंद आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार आज आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। तो मैं मिलती हूँ आपसे कुछ ऐसे ही और अच्छे अच्छे DIY के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।